सभी को क्लियर गाइस, कल का रिवाइज करेंगे और आज कुछ नया बातें सीखेंगे। करें शुरू। ओके चलो, आगे काफी लोग आज, सबका स्वागत है भाई आज के नए लेक्चर में। हम लोगों ने कल के दिन शुरू किया था टर्बो, टर्बो का कल हमने इंट्रो लिया था। कल जो भी सीखा था आज वही फटाक से रिवाइज करने वाले गाइस, वही फटाक से रिवाइज करेंगे। टर्बो मशीन बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है उन मशीन्स के साथ में जिनमें फ्लूइड फ्लो होता है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े रहते हैं, जैसे ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, उसमें टर्बो मशीन ओपन सिस्टम से डील करता है। ओके, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का शेयरिंग होता रहता है, मतलब वो दोनों भी फ्लो होते रहते हैं। तो टर्बो मशीन कुछ वैसे ही सब्जेक्ट से डील करता है। अच्छा, टर्बो के पहले जो तीन यूनिट है वो लिक्विड से डील करते हैं, एंड नेक्स्ट सॉरी लिक्विड बोल रहा हूँ, पहले जो तीन यूनिट है वो हाइड्रोलिक टर्बाइन है, चौथा यूनिट जो है वो स्टीम टर्बाइन है, एंड उसके बाद के जो दो डिवाइसेस हैं उन्हें वर्क इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। देखते हैं कैसे काम करता है। आपको बेसिक मैंने आइडिया दिखाने के लिए ये जीआईएफ खोल कर रखा है। इसमें हम लोग समझते हैं कि टर्बो मशीन्स में टर्बाइन्स क्या करते हैं। टर्बाइन्स पावर जनरेट करने के लिए होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होते हैं। तो अभी टर्बाइन जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होते हैं तो कहाँ से पानी आता है, पानी डैम से आता है। आप लोग देख सकते हैं पानी एक डैम से आ रहा है, एंड डैम से जो पानी आता है वो पानी डैम से जो पानी आ रहा है वो पेनस्टॉक से होता हुआ टर्बाइन की तरफ जाता है ना, और टर्बाइन क्या करता है, रोटेट होके बिजली बनाता है। यही इंटरनली टर्बाइन में क्या हो रहा है, यही सब्जेक्ट का मकसद है गाइस। अंदर क्या हो रहा है, ओके, टर्बाइन के अंदर क्या हो रहा है, इसे समझना है, उसका पूरा मैकेनिक समझना है, ये सब्जेक्ट इसी से डील करता है। ओके गाइस, ध्यान देते हो मेरी बातें सुनते। सबसे पहले तो आपको कुछ बातें बतानी मुझे, जैसे कि आपके सामने जो मैंने स्लाइड बनाया है, ये जो स्लाइड है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे। इस स्लाइड में हम लोग अभी फटाक से रिवाइज कर लेंगे क्या क्या सीखा था हमने। ओके एक सेकेंड, इसमें क्लियर कर देता हूँ। ओके हाँ, टर्बो मशीन में हमने क्या क्या सीखा था गाइस, ध्यान देते। हम लोगों ने जो पहले तीन यूनिट के बारे में समझा था उसमें पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। ओके अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप डायग्राम से इमेजिन कर सकते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक जेट है और वो कुछ ब्लेड्स के ऊपर टक्कर मार रहा है। ओके ब्लेड्स के ऊपर टक्कर मार रहा है, तो वहां पे जेट के इम्पैक्ट को स्टडी करना है। अच्छा, ये एक खाली केस दिया है मैंने, जो लास्ट केस होता है, ये लास्ट केस होता है इम्पैक्ट जेट में, मतलब ये सबसे इवॉल्व केस होता है जो पहला डायग्राम दिख रहा है आपको। उसके बाद का जो डायग्राम है गाइस वो डायग्राम है बेसिकली पेल्टॉन व्हील का, जो कि आपका सेकेंड यूनिट होता है। ओके पेल्टॉन व्हील एक ऐसा टर्बाइन है जो इम्पैक्ट ऑफ जेट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, इसलिए लगभग वैसा ही दिखता है। इसमें जो व्हील है ना उसको पेल्टॉन व्हील कहते हैं, और जो ब्लेड है ना उनको बकेट्स कहते हैं। ओके तो पेल्टॉन व्हील का भी एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। ओके वो सेकेंड डायग्राम है, और राइट साइड में जो थर्ड डायग्राम है वो आपका रिएक्शन टर्बाइन है गाइस, थर्ड यूनिट। रिएक्शन टर्बाइन आपका थर्ड यूनिट है। देखो एक छोटा सा आदमी बनाया है नीचे उधर, एक छोटा सा आदमी बनाया, उससे आपको अंदाजा आना चाहिए कि टर्बाइन बड़े कितने होते हैं, कितना ह्यूज साइज होता है इनका। ओके ये जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन बेसिकली आपको अगर समझना है तो आपको जो पहला डायग्राम है, पहले डायग्राम में जो टर्बाइन दिखाया जा रहा है, ओके एक सेकेंड, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये वाला ही है आपका टर्बाइन, यही टर्बाइन, सेम टर्बाइन को वहां पे जूम करके बनाया गया है। तो ये थर्ड डायग्राम रिएक्शन टर्बाइन का है। ये तीन टॉपिक पहले तीन यूनिट है, इनसे का सिलेबस है, इंपैक्ट ऑफ जेट, पेल्टॉन व्हील एंड रिएक्शन टर्बाइन। आप एकदम स्क्रैच से शुरू करते हो और मोस्ट एडवांस टर्बाइन की तरफ बढ़ते हो। ओके हम इसे सीखना शुरू करेंगे। ये था पहला आपका तीन यूनिट। नेक्स्ट जो तीन यूनिट है गाइस, आप पहला जो डायग्राम देख रहे हो वो है स्टीम टर्बाइन का, सबसे डिफिकल्ट यूनिट ये कहलाता है इस पूरे सिलेबस का, स्टीम टर्बाइन बोलते हैं इसको। इसमें आपको पहले तीन यूनिट का सब कुछ पता होना चाहिए। ओके सारी बातें पता होनी चाहिए। जब आपको सारी बातें पता होती है तो आपके लिए इमेजिन करना बेटर हो जाता है और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाजू में जो डायग्राम है वो है आपका कंप्रेसर। ओके सेकेंड डायग्राम कंप्रेसर है, जो कि छठा यूनिट है, वो है आपका एक्चुअल कंप्रेसर। एंड जो लास्ट डायग्राम आपको दिख रहा है वो है पंप का, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप गाइस। एनिमेशन से आप लोगों को अंदाजा आता रहेगा कि हो क्या रहा है इनके अंदर,
और ये चलते कैसे हैं। ये है आपका पूरा सिलेबस गाइस, बहुत ही डायनामिक यूनिट्स है। पहला कौन सा है सर, पहला कौन सा है बोला आपने? पहला वाला स्टीम टर्बाइन है गाइस, स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन में व्हील है, पहले व्हील को नोजल कहते हैं, उसमें स्टीम एंटर करता है पूरा। जो आप लोगों ने ये थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था ना, बॉयलर, बॉयलर से स्टीम बनता, रैंकाइन साइकिल याद है क्या नाम? वो जो रैंकाइन साइकिल था, रैंकाइन साइकिल का टर्बाइन एक्चुअली ऐसा दिखता है। वो जो ब्लू कलर का पहला हिस्सा है उसमें स्टीम एंट्री करता है, और रेड कलर क्या करता है, उस स्टीम को एक्सपांड किए हुए एनर्जी से घूमता है। मतलब वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो यूनिट आएगा तो इन डेप्थ बताऊंगा एक एक पार्टिकल के बारे में, एक एक फिजिक्स के बारे में। लेकिन हाँ, स्टीम टर्बाइन थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। उसके बाजू वाला जो डायग्राम वो एक्सियल कंप्रेसर का है, और लास्ट डायग्राम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है गाइस। पंप बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग इसको डे टू डे देख पाते हैं और ज्यादा बेटर इमेजिन हो पाता है। पंप से मेरे हर बार, मैंने एक बार देखा है कि सेंड ऑफ देता हूँ जब बी वाले बच्चों को, तो वो भी पंप के बारे में बातें करते हैं। वो भी बोलते हैं कि पंप का जो लेक्चर होता है या पंप का जो यूनिट चलता है वो उनको कभी भूलते नहीं है, तो इतना वो इंटरेस्टिंग होता है गाइस। तो ये हो गया आपके 6 यूनिट्स। इतना सिलेबस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था गाइस वो ये था, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ओके, वो ये था इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम में ये डायग्राम आप देखो, डायग्राम से आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, क्या बोलता है डायग्राम? ये डायग्राम बोलता है कि ये जो बंदा है फुटबॉलर है, ओके, ये अपने पैरों से इम्पल्स लगाने वाला है, ये अपने पैरों से इम्पल्स लगाने वाला है। देखो उसका पैर यहाँ पे बनाया हुआ, ये उसका पैर है। ओके, ये उसका पैर बनाया गया है। ये जो बॉल है, ये बॉल को एक मास होगा, कोई तो मास होगा, और ये एक वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब इसको कोई तो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम एम वी वन है इसको, और वो एम वी वन से जब आता है तो आप यहां से इम्पल्स लगाते हो, आप लगाते हो यहां से इम्पल्स, और आपके ये इम्पल्स के कारण इसका जो मोमेंटम था इस तरफ वो इधर से आ रहा था, लेकिन इस इम्पल्स के कारण इसका मोमेंटम अब नए डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। अब इसका नया वेलोसिटी बन जाता है एम वी टू। ओके, ये नया मोमेंटम हो जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स, ओके, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। एंड व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। गाइस, हमने इतनी बातें लास्ट लेक्चर में सीखी थी, हमने इम्पल्स समझा था, हमने मोमेंटम समझा था, और फिर हमने समझा था कि कैसे इम्पल्स लगाने के कारण, इम्पल्स लगाने के कारण किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज किया जा सकता है। और फाइनली हमने फॉर्मूला निकाला था, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। गाइस, इतना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था एफ इन टू टी इज इक्वल टू एम इन टू वी टू माइनस वी वन। इतना हमारा फॉर्मूला लास्ट लेक्चर तक आया था, हमने इतनी ही बातें की थी गाइस। कल की बातें अगर याद होगी तो आगे बढ़ना चाहूंगा, कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर रिपीट करो ना ये एक बार। डायग्राम, डायग्राम क्या बोलता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? तेजस भाई आप एक्सप्लेन कर सकते क्या? माधव भाई सर, वो फुटबॉल को मतलब अपने को वेलोसिटी वाइज वहां पे इंपल्स लगा दे वैसे वेलोसिटी चेंज होता। ओके, तेजस नरखेड़े भाई आप कुछ बोल सकते क्या इस पे? ओके, प्रसाद भोईर भाई आपको सुनाई दिया है मेरी बातें? हां सर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने लैंग्वेज में फुटबॉलर क्या कर रहा है और इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है? बॉल अगर एक एक्स एक्सिस पे तरफ से आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो अगर फुटबॉलर अपने पैर के फोर्स के वजह से किक करता है तो उसका एक मोमेंटम है जो अगर एक्स एक्सिस में कंटिन्यू होगा तो वो चेंज होके अलग डायरेक्शन में जाता है, तो उसका स्पीड भी चेंज होता है। अगर जोर से किक करेगा तो फास्ट जाएगा, तो उसको हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, वो इंपल्स बोलते हैं उसको हम।
क्या इंपल्स सबसे पहले याद दिला देता हूँ गाइस, इंपल्स था, एक बार फिर से सुन लो जो लोग नहीं थे, इंपल्स इज बेसिकली फोर्स इनटू टाइम एंड व्हेनेवर यू अप्लाई इंपल्स, ओके क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओके आपको वापस से बता देता हूँ गाइस, इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन, इंपल्स इज बेसिकली फोर्स इनटू टाइम एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ओके हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था, ये आपका इंपल्स और ये आपका मोमेंटम। क्या होता है इंपल्स, जो इंपल्स होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, और क्या होता है मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स लगाने से बॉडी का मोमेंटम बदल जाता है और उसी को कहते हैं इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कैसे, आपने यहाँ पे शूज से राइट, ये जो शूज है इससे जब इंपल्स लगाया तो ये जो बॉल का इनिशियल मोमेंटम था वो एम वी वन था एंड आपने इंपल्स लगाया जब यहाँ पे ये बॉडी से आए तो इस इंपल्स के कारण इसका नया मोमेंटम बन गया है एम वी टू। और फिर हम वो फॉर्मूला डिराइव किए थे विच इज एफ इन टू टी इज इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन। मुझे लगता है जिसने पूछा वो कल नहीं थे, ऐसा कुछ है क्या भाई? सर वी वन मतलब 3 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड है ना, और वी टू मतलब 10 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड है ना। बराबर। अच्छा स्पीड के वैल्यू पे भी अपने को फोकस करने की जरूरत नहीं है, ओके मतलब मैटर नहीं करता वो, तो बिल्कुल मैटर नहीं करता क्योंकि अभी यहाँ पे वो सिर्फ नंबर दिया है मैंने, हमें सिर्फ इतना समझना था कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है गाइस। ओके गाइस इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल अगर आपको समझ गया है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ओके ध्यान देना मेरी बात पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इतना ही खत्म किया था और फिर हमने बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एफएम को रिवाइज करेंगे, ओके हमने आज का लेक्चर जो शुरुआत किया इसका मेन मकसद था कि आप लोगों को पहले ये बता दें कि भैया हमने सीखा क्या था लास्ट लेक्चर में, ओके और वो लास्ट लेक्चर जो था उसके बाद में आपको क्लैरिटी आगे रहेगी कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है। अब आगे बढ़ता हूँ गाइस, हम लोग आज नए टॉपिक की बातें करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है वो है बेसिकली हमें समझना है मास फ्लो क्या होता है और कैसे मास फ्लो जेट इंपैक्ट ऑफ जेट ये आपस में कनेक्टेड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स मोमेंटम, मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे है इनके बारे में बात करनी है, ओके तो मैं ये वाला कैमरा ऑफ करूंगा, थोड़ी देर बोर्ड पे जाता हूँ और बोर्ड पे थोड़ी देर बात करेंगे गाइस, ओके ध्यान देना। सभी को आवाज आ रही है मेरी? चलो गाइस अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था वो था सिर्फ और सिर्फ इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हमने जिससे निकाला था वो था न्यूटन का सेकेंड लॉ। जरा बातें करते हैं उसी फॉर्मूला के बारे में। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल में जो एफ का फॉर्मूला आया था, एफ वॉज इक्वल टू सॉरी एफ इंटू टाइम, एफ इंटू टाइम is equal to m into v2 minus v1, m into v2 minus v1। इस फॉर्मूला तक अपन पहुंचे थे। अच्छा मैं ये टाइम को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा f is equal to m upon t into v2 minus v1, into v2 minus v1। अच्छा मुझे बात बताओ m upon t कुछ जाना पहचाना सा लगता है क्या m upon t? m upon t को अपन m dot बोलते हैं, m dot याद है क्या? हाँ सर, mass flow rate। Yes, m upon t m by t इसे कहा जाता है mass flow, इसे कहा जाता है mass flow rate। Okay, before we move ahead, before we talk further, you should know this terminology mass flow rate। ये तो का impulse momentum principle जो हमने निकाला था, मतलब impulse equal to change in momentum। Actually उसमें का impulse हम कभी use नहीं करते, हम उसमें का force ही use करते हैं। इसलिए time को मैं इस तरफ लेके आ गया। और मास पर यूनिट टाइम इज बेसिकली मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट m by t होता है, ये होता है आपका मास फ्लो रेट। गाइस मास फ्लो रेट के बारे में हमने कुछ बातें सीखी थी, जो कि अगर आपको मास याद हो तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ. अच्छा, टाइम अगर यहाँ पे लिखना है तो टाइम सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा. किसी का माइक चालू है तो उसका डिस्टरबेंस आ रहा है. ओके, एक काम करो ना प्लीज, अपने को आपको साइलेंट रखो सभी लोग. और अगर आपको कुछ बोलना रहता है ना तो आप बोलने से पहले प्लीज अनम्यूट करने का एंड फिर से म्यूट कर देने का. ओके, आई थिंक अभी सब लोगों ने म्यूट किया है खुद लोगों को. दिख रहे हैं सभी लोग, म्यूट दिख रहे हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन गाइस. अब देखो m by t कैन बी रिटन एज मास. क्या होता है मास? इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है. तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. अगर मैं m by t कर देता हूं तो वो मास m डॉट हो जाता है. तो यहां पर भी वो टाइम आएगा. मतलब m डॉट इज m by t, वेयर m इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, t इधर आ जाएगा और t इधर आ जाएगा. और फिर हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. और आपने को भी फॉर्मूला ये रट्टा ही है, रो ए वी. तो अपने एफएम में रट्टा मारा था क्या, एम डॉट इज इक्वल टू रो ए वी. एम डॉट इज इक्वल टू रो ए. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, बराबर थोड़ा खरखर आवाज आ रहा है. सर आपकी कोई विंडो वगैरह चालू है क्या, या तो कैमरा के ऊपर फैन वगैरह ऐसा कुछ? हेलो, मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक है. तो आप माइक से दूर जा रहे तब आवाज ये हो रही है डिस्टर्बेंस. आवाज आप भी बराबर है? आप बराबर है सर. ओके गाइस, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर. हां सर. हां सर, अभी आ रही है. ध्यान से मेरी बात सुन लो. m डॉट इक्वल टू रो ए वी. ओके, मैं भी आपको पूछने के लिए पूछूंगा, खाली आवाज क्लियर है कि नहीं जब बोलूंगा तब बताना. गाइस आवाज क्लियर आ रही है एकदम? हां आ रही है एकदम. हां हां अच्छा आवाज. ओके अच्छा, ये एक्सटर्नल माइक है. एक्सटर्नल माइक लगाने का शायद आवाज क्लियर है, क्योंकि तभी माइक से मैं दूर था ना तो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था. ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना. एम डॉट रो ए वी, एम डॉट रो ए वी, ये जो एम डॉट इक्वल टू रो ए वी है, इसमें कुछ बातें बताता हूं. बोर्ड पे इतना समझेंगे, फिर हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पे बातें समझेंगे एंड फिर आऊंगा बोर्ड पे कुछ ब्लेड्स के बारे में बताने के लिए. पहले समझना एम डॉट रो ए वी. एम डॉट रो ए वी में रो बोले तो अपने को मालूम होना चाहिए इट इज डेंसिटी. ये होता है आपका डेंसिटी. ए बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और बी बोले तो वेलोसिटी होता है, वी बोले तो वेलोसिटी होता है. अच्छा कुछ याद रखना, इसमें एम डॉट जो होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो ए और वी है टुगेदर, ये आपस में एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर होते हैं. इसीलिए कभी भी याद रखना एरिया और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर ही होने चाहिए. एरिया और वेलोसिटी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, याद रखना ये लाइन. क्या बोला मैंने यहाँ पे, एरिया एंड वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर. अब ये है क्या एग्जैक्टली, क्या परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं बताऊंगा मैं आपको. उसके पहले कल जहां पे खत्म किया था उसके नीचे खाली इतनी बातें लिख के रखो, इतनी बातें लिख के रखो. दो मिनट लो, इतना ड्रॉ करो, फिर हम लोग स्क्रीन पे आएंगे एंड कुछ बातें वहां पे करेंगे. हो गया लिख के? रुकते सर. सर रुको सर, दो मिनट.
जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना वैसा डायग्राम बना लेना, क्योंकि वो डायग्राम इम्पोर्टेंट है। वो एरिया परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, वेलोसिटी उसको बराबर 90 डिग्री पे दिखना चाहिए, मतलब एरिया और वेलोसिटी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या एग्जैक्टली है एक डायग्राम के साथ बताऊंगा आपको, उसके पहले आप बना लो इसे। सर आपने वो स्टेटमेंट क्या बोला था वो एक बार बोलो ना। कौन सा स्टेटमेंट? वेलोसिटी और एरिया का। हाँ हाँ, ये बात बोली थी मैंने कि जब मास फ्लो रेट होता है रो एवी, तो रो एवी में ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी होता है वेलोसिटी। तो एरिया और वेलोसिटी क्या एग्जैक्टली किस तरह का एरिया, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन, बहुत सारे एरियाज होते हैं। तो आपको टर्बाइन्स में ना, अभी तक आप पाइप वगैरह खाली पढ़ रहे थे, तो पाइप में एरिया वॉज वेरी इजी, खाली पाइप का डायमीटर ले लो, उस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। लेकिन टर्बो मशीन्स में भी ऐसा नहीं आने वाला, टर्बो मशीन में एरिया बहुत डिफिकल्टीफुल ओरिएंटेशन में आएंगे। तो वहां पे अगर आपको ये नेचर पता रहा कि एरिया और वेलोसिटी हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, तो आपको गलती नहीं होगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली लेना क्या है। चलो हो गया रहेगा, तो अभी रुकते हैं, ये वाला वीडियो बंद कर रहा हूं मैं, मिलते हैं कल। चुप रहे। चलो गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बातें बताता हूँ, परपेंडिकुलर क्लू होना चाहिए वो बता दे। ओके हरी भाई, चलो सबसे पहले तो क्यों होना चाहिए, अगर ये सवाल आता है तो इसमें कुछ फिजिक्स के आपको बातें बतानी रहेगी। आप लोगों को याद रहेगा कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह का कुछ आप लोगों ने बचपन में 11th 12th में पढ़ा रहेगा, और आपको ये बात पता रहेगी कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करो तो वो स्केलर बन जाता है, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो वेक्टर ही रहता है। बराबर, अरे बराबर, सुनिए क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आपको एक बात बताऊं, एरिया जो है ना, एरिया भी एक वेक्टर है और साथ ही साथ में वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। एरिया एंड वेलोसिटी दोनों भी वेक्टर होते हैं। तो आप जब भी कोई कोई जेट की बात करो, अभी जेट किसी को नहीं समझता रहेगा, तो लेट मी एक्सप्लेन जेट कैसा होता है, मैं इसको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल लेट अस ड्रॉ अ जेट। जेट कैसा रहेगा, लेट अस से ये एक नोजल बनाता हूं, यहाँ पे एक पंच स्टॉक है, ओके, यहां से ये ऐसा नोजल दिख रहा है, आपका नॉजल। नॉजल एक कन्वर्जिंग एरिया होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कम होता जाता, और उधर से निकलेगा आपका जेट, ओके? उधर से निकलेगा आपका जेट। जेट कैसा? एक ऐसा, इस तरह का जेट बाहर निकलेगा, ये रहेगा आपका जेट, ओके? तो ये जेट ऐसे बाहर निकलता रहेगा गाइस। जेट का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, जेट का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा, ऐसा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा। आपको जो मैंने बताया कि एरिया वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और दो वेक्टर का, ओके, दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो स्केलर बन जाता है। इसलिए एरिया एंड वेलोसिटी, इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, तो टुगेदर वो एक स्केलर क्वांटिटी बनते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, ओके? तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये आपस में 90 डिग्री में होते हैं, ये आपस में 90 डिग्री होते हैं। आपको बोला रहा तभी आप खाली अपने आप को अनम्यूट करो, ओके? तो अभी यहाँ पे इसीलिए ये आपस में 90 डिग्री में होने चाहिए, ये मैथमेटिकल कारण होता है सबसे पहले तो। अच्छा, नेचर वाइज आपको अगर रिजेंबल करवाना है तो आपको सिंपल बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है, इस पाइप में फ्लूड ऐसा फ्लो होके आ रहा है, फ्लूड ऐसा फ्लो होके आ रहा है, और पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या है, पाइप का क्रॉस सेक्शन ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाइप का है, यहाँ पे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी जो आपस में रहेंगे वो परपेंडिकुलर वाला रहेगा। वेलोसिटी कौन सा? परपेंडिकुलर वाला ही रहेगा हमेशा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें आती है गाइस,
सबसे पहले तो वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेलोसिटी में मीन वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बोलेंगे बच्चे मीन वेलोसिटी क्या होता है. अच्छा आपको एक बात बता दूं, आपका जो फ्लूइड फ्लो होता है ना, वो फ्लूइड का वेलोसिटी हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का सेम नहीं होता है, वो वेरिंग होता है. वो वेरिंग कैसा होता है, जैसे अगर कोई ये पाइप है ना, तो इस पाइप में अगर आपको वेलोसिटी समझनी है तो वो वेलोसिटी यहाँ पर और यहाँ पर लीस्ट होती है, बीच में ज्यादा होती है. इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रोफाइल बनता है, ऐसा प्रोफाइल बनता है. तो वेलोसिटी यहाँ पे कंटिन्यूअसली वेरिंग होता है. तो इसमें से आप उसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हो. वो जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको मीन वेलोसिटी बोलते हैं. वो मीन वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वेलोसिटी. और उसका परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कल रहेगा. तो ये हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा वेलोसिटी. अच्छा अब कई बच्चे सोचते हैं कि इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, इसको इतना क्यों खींच रहे हैं. वही लाइन वापिस बताऊंगा गाइस, ये नेचर पता होना चाहिए आपको. शायद आपको पहले दो यूनिट तक इसके बारे में ख्याल भी ना रखना पड़े, लेकिन तीसरे यूनिट से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं रहेगा, बहुत सारे वेलोसिटीज रहने वाले हैं. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एंड एरिया आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. क्या बोला मैंने यहाँ पे, वेलोसिटी एंड एरिया आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी जो है वो वी है. तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी. अच्छा डिस्चार्ज हो जाता है एरिया इंटू वेलोसिटी. तो मास फ्लो रेट अभी हमने सीखा, मास फ्लो रेट होता है रो ए वी. तो ए वी अगर डिस्चार्ज है तो ये रो क्यू भी लिखा जाता है, आपने ये सीखा था. ओके ये हो गया एम डॉट के बारे में बातें. क्या बोलते चैट में डियर राहुल भाई, राहुल भाई किधर गायब हो जाता है बीच में. ओके राहुल भाई हम लोग बातें कर रहे हैं मास फ्लो रेट के बारे में. मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है रो ए वी, बहुत सिंपल लाइन में समझ लो. ठीक है रो ए वी में ए वी बोले तो डिस्चार्ज, ए वी बोले तो डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज जो है ये एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. अब वो है क्या, अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप में या किसी सेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी एंड एरिया बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर रिलेशन रखते हैं. ओके तो वेलोसिटी रहेगा ऐसा और एरिया रहेगा उसको परपेंडिकुलर. ये बात आगे बढ़ा सकता हूं मैं अभी. चलो अभी के लिए क्या रखना है हमको, हमको याद रखना है कि जो जेट है वो जेट इस पाइप से निकलेगा और उसका वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी में फर्क होगा. क्यों ऐसा फर्क होगा कोई बताएगा. क्योंकि सर प्रेशर वहां पे ज्यादा है और नोजल के पास कम है, तो वेलोसिटी वहां पे ज्यादा रहता है नोजल के पास. ओके यस आप बोल सकते हो कि ये कॉन्वर्जिंग एरिया होने के कारण यहाँ पे प्रेशर में ड्रॉप होता है, एंड बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन प्रेशर द वेलोसिटी इंक्रीजेस. बराबर याद है सभी को ये बातें. क्या बोला मैंने यहाँ पे, यहाँ का जो वेलोसिटी रहेगा लेट अस से वो वेलोसिटी रहेगा आपका वी वन, यहाँ का वेलोसिटी जो रहेगा वो रहेगा वी वन, यहाँ का वेलोसिटी जो है वो वी है. ये जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ये क्रॉस सेक्शन छोटा क्रॉस सेक्शन रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन छोटा क्रॉस सेक्शन रहेगा. हम लोगों ने एक थ्योरम सीखा था, उस थ्योरम को बोलते हैं कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी अगर मैं यहाँ पे इधर लगाऊं पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे, तो कंटिन्यूटी क्या बोलता है, बाय कंटिन्यूटी मास फ्लो रेट एट ए इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट बी. याद है क्या है बातें. यस सर. हाँ सर थर्मो में सिखाया था आपने. हाँ एफएम में भी सिखाया था. By continuity, mass flow rate at A is equal to mass flow rate at B. तो mass flow rate A का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा rho A V. And mass flow rate at B क्या हो जाएगा? अगर यहाँ का diameter D है, okay? तो ये हो जाएगा rho छोटा A into V1. ये हो जाएगा छोटा A into V1. अच्छा, छोटा A क्या है? छोटा A है pi by 4 small d square. Pi by 4 small d square, okay? तो यहाँ पे ये छोटा a हो जाएगा. अच्छा, अभी यहाँ पे rho और rho दोनों cancel हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम पानी की बात कर रहे हैं,
तो पानी का डेंसिटी कॉमन रहता है, तो पानी का डेंसिटी कॉमन रहेगा मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और एरिया देखो ध्यान से, क्योंकि एरिया ए के मुकाबले, कौन सा एरिया ए, कैपिटल ए के मुकाबले स्मॉल ए जो है वो छोटा है, स्मॉल ए के मुकाबले कैपिटल ए बड़ा है, बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो वी वन है वो वी से बड़ा है। क्या ये बात सबका कंक्लूड हुई दिमाग में? सर एक बार फिर से बताओ क्या है। ओके परत एकदम गाइस लेट अस अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी, एट पॉइंट बी विल बी बिगर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। कैसा बोला मैंने, मैंने बोला कि देखो ये नोजल जो है, ये नोजल एक कॉन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन है, कॉन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन होने के कारण ये प्रेशर को गिराता है, यहाँ पे प्रेशर को ड्रॉप करता है। अच्छा, इसके प्रेशर को ड्रॉप होने के कारण होता क्या है, होता ये है कि वेलोसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। अब कई बच्चे सोचते हैं, उनके दिमाग में पहला सवाल आता है प्रेशर कैसा गिराता, कई बच्चों के दिमाग में आता प्रेशर कैसा गिराता, लेकिन जो अपने पास एफएम को थे या थर्मो को थे उनको ये पूरी तरह से क्लियर है कि प्रेशर गिर जाता है ना। अच्छा, जो लोग नहीं थे उनको ये समझता ही नहीं, वो सोचते हैं कि यार प्रेशर कैसे गिर जाता, हमने तो ये सुना है कि नोजल लगाने से प्रेशर बढ़ जाता, और वो खुद को कन्विंस करने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो वो ये खुद को कन्विंस करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन फिर उनको हम थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे आपको बातें समझनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, जो आप लोग बोलते प्रेशर बढ़ जाता वो गलत लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज है। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जब एरिया गिरता है तो पानी जोर से जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वो एक्सेलरेट हो जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे आप प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो, मास फ्लो रेट के फॉर्मूला से। कंटिन्यूटी बोलता जितना मास एंट्री मारता उतना मास एग्जिट मारता, मतलब जितना मास फ्लो ए पे रहेगा उतना मास फ्लो बी पे रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम बोले किसी पाइप में पानी एंट्री मार रहा है तो जितना पानी एंट्री मारेगा उतना पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा, राइट? तो यहाँ पर मास फ्लो एट ए विल बी एट मास फ्लो एट बी। मास फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो होता है रो इंटू ए इंटू वी, मास फ्लो एट ए विल बी रो ए वी, एंड मास फ्लो एट बी क्या हो जाएगा, वो जाएगा रो इंटू स्मॉल ए इंटू वी वन। रो मतलब डेंसिटी होता है, डेंसिटी एट ए विल बी इक्वल टू डेंसिटी एट बी, क्योंकि पानी का डेंसिटी बदलता नहीं है तो डेंसिटी सेम रहेगी। अच्छा, एरिया, एरिया की बात अगर करो तो एरिया कैपिटल ए इज मोर देन स्मॉल ए। जब एरिया कैपिटल ए इज मोर देन स्मॉल ए मतलब क्या, इन दोनों में, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ओके? ए वी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए वी का प्रोडक्ट, अगर उसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब दिस हैज टू बी स्मॉलर एंड दिस हैज टू बी बिगर, म्हणजे जर हा मोठा आणि हा छोटा, तर हा छोटा आणि हा मोठा असेल, बरोबर? हाँ सर, इस तरह से वेलोसिटी बढ़ता। अच्छा गाइस, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ता के पीछे आपको बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे अपनी जगह पे था, फिर एक और थ्योरम हमने सीखा था, इसको कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम, ओके? बर्नौलीज थ्योरम से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके? बर्नौलीज का थ्योरम क्या बोलता है उसे भी आपको पता ही होना चाहिए, तो मैं आपको एक बार फटाक से बर्नौलीज याद दिलाना चाहता हूँ। ये हमने कंटिन्यूटी से प्रूफ किया, बर्नौलीज अगर आपको याद दिलाओ तो बर्नौलीज बोलता है तीन तरह के हेड होते हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड। तो अगर मैं उसको सिर्फ हेड के फॉर्म में लिखू, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड, ऐसे तीन हेड लिखू मैं, क्या था उनका फॉर्मूला, पी बाय रो जी वी स्क्वायर बाय टू जी जेड, याद है क्या? हाँ सर। तो बर्नौलीज का इक्वेशन क्या बोलता, वो बोलता पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड एट ए will be equal to P by rho g plus V square by 2g plus Z
एट बी, अच्छा इन दोनों में जेड जेड कट जाएगा, इन दोनों में जेड जेड कट जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। आपको मैंने क्या बोला, एरिया घटता तो प्रेशर घटता, तो क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर ए का है और ये प्रेशर बी का है, तो दिस इज मोर एंड दिस इज लेस। अच्छा जब दोनों का समेशन सेम है, कौन सा दोनों का समेशन, एक इसका और एक इसका और इसका और इसका, जब समेशन सेम है तो अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो हम कह सकते हैं ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। इस तरह से वेलोसिटी एट टू विल बी मोर देन वेलोसिटी एट वन, वी वन विल बी मोर देन वी। इतनी बातें सबके दिमाग में बैठ गई सर, वो पी बाय रो जी का वापस एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन का। रो जी सर, सर वो लास्ट वाले एक दा फिर से बोलो ना। ओके गाइस मैं एक बार स्लोली समझाता हूँ, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ध्यान देते वापस सुनना। गाइस हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ओके सॉरी बर्नौलिस की बात करते हैं। बर्नौलिस क्या बोलता, बर्नौलिस का इक्वेशन है पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो बोलता कि भैया ये तीन एनर्जी आइडियली अगर फ्रिक्शन ना हो तो हर जगह कॉन्स्टेंट होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पी बाय रो जी वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड होगा वही यहाँ पर भी होगा, दोनों सेम ही होंगे। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम बोलेंगे p by rho g plus v square by 2g plus z at a is equal to p by rho g plus v square by 2g plus z at b, okay? So, इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को कॉन्स्टेंट रखेंगे। अच्छा क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, कैसा ये पाइप ऐसा था आपका, ओके okay? और ये था आपका नोजल और यहां से जेट निकल रहा है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो ये और ये कट जाएंगे। हम क्या बोलते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण इधर का प्रेशर जास्ती रहेगा, इधर का प्रेशर कमती रहेगा। तो प्रेशर कमती मतलब ये जास्ती और ये कमती, तो ये समेशन इक्वल टू अगर ये समेशन है और ये जास्ती है और ये कमती है तो दिस हैज टू बी लेसर एंड दिस हैज टू बी बिगर। समझा है सभी? समझा सर, समझा। ओके गाइस बर्नौलिस एंड कंटिन्यूटी मुझे आपको आज याद दिलाना था क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है आने वाले समय में। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी के ऊपर ही यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको सीखनी है। कंटिन्यूटी क्या बोलती है, कोई एक लाइन में मुझे एक्सप्लेन करेगा कोई बच्चा, व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या होती है कोई बताएगा? प्रसाद भाई कंटिन्यूटी क्या होती है? अभी तो नहीं आ रहा सर, स्टेटमेंट नहीं आ रहा वो मुझे प्रॉपर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, वो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो फॉर्मूला हो गया। हाँ? बट आपको ये बात पता होनी चाहिए जितना आता है उतना जाता है। परफेक्ट, कंटिन्यूटी बोलता जितना एंट्री मारता उतना एग्जिट मारता। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पाइप बनाता हूँ, अगर ये पाइप है तो ये पाइप में याद रखना जितना मास एंट्री मारेगा ना उतना मास एग्जिट मारेगा, ओके? तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल को कंटिन्यूस करता हूँ, मतलब इधर पाइप है ना, तो अभी पाइप की जगह पे अभी अपन इसमें नोजल भी लगाते हैं और आगे एक ब्लेड भी बनाता हूँ, ठीक है? इमेजिन करो ये पाइप है और पाइप के आगे अपन लगाएंगे एक जेट, ये जेट है, ये जेट ऐसा जा रहा है और इसका नोजल कंप्लीट कर देते हैं, ये हो जाएगा इसका नोजल, ओके नोजल हो गया। एंड एक काम करेंगे यहाँ पे एक प्लेट बना देता हूँ, ओके प्लेट मतलब कैसा, एक ऐसा प्लेट बनाता हूँ, ये हो गया आपका एक ऐसा प्लेट, ये प्लेट रहेगा ऐसा लंबा खींच दिया मैंने प्लेट,
और ये प्लेट, इसको कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेट है, प्लेट पे से पानी ऐसे जाने वाला है, क्या होगा पता है? देखो पानी यहाँ से एंट्री मारेगा, ओके, पानी यहाँ से एंट्री मारेगा, पानी इसमें से होता हुआ जाएगा, फिर यही पानी, ओके, यही पानी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा? ये पानी ऐसे इधर से ऐसे टैंजेंट जाना फॉलो करेगा, ऐसे टैंजेंट जाएगा। क्यों टैंजेंट जाएगा इसको? क्योंकि ये प्लेट उसको डायरेक्शन देगा, है ना, तो पानी ऐसे जाना शुरू कर देगा। गाइस इस तरह से ये पानी एक दूसरे को, सॉरी, ये पानी जो रहेगा, ये पानी पेनस्टॉक से होता हुआ, नोजल से होता हुआ, जेट से होता हुआ, प्लेट पे से होता हुआ कंटिन्यूसली जाएगा। कंटिन्यूटी यहाँ पे लगाना है। उसके पहले एक लॉ याद रखना कि ये जो प्लेट है ना डायरेक्शन दे रहा है, ओके? अच्छा, जैसे पाइप में हम कोई फ्रिक्शन नहीं इमेजिन कर रहे फिलहाल, हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन हो रहा है। ये पाइप सर, 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 ये जो प्लेट है वो टर्बाइन की प्लेट है क्या? अभी सिंपल प्लेट है, एक छोटा सा पतला सा प्लेट है, ठीक है, टर्बाइन तक जाएंगे यहाँ पर। ये प्लेट ऐसा यहाँ पे फिक्स करके रखा है मैंने यहाँ, ओके। ये प्लेट पे क्या आ रहा है, जैसे आपने कोई पाइप से पानी निकाला, वो पानी प्लेट पे से ऐसा होते हुए जा रहा है। अच्छा, ठीक है, हम मान के चले यहाँ पे लॉसेस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, वैसे ही जैसे पाइप में भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा मान के चल रहे। तो हम क्या, अगर यहाँ पे पॉइंट मार्क करो, पॉइंट वन, यहाँ पे पॉइंट टू, यहाँ पे पॉइंट थ्री और यहाँ पे पॉइंट फोर। गाइस यहाँ पे पॉइंट वन टू थ्री फोर जो रहेंगे ना, ये सभी के सभी पॉइंट पे मास फ्लो कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब जो मास फ्लो रहेगा वो मास फ्लो एट वन टू थ्री एंड फोर, ये सारा के सारा कॉन्स्टेंट रहेगा गाइस, वो सारा के सारा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये मास फ्लो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब क्या, जो मास फ्लो वन पे रहेगा वही मास फ्लो टू पे रहेगा, वही मास फ्लो थ्री पे रहेगा, वही मास फ्लो फोर पे रहेगा। मतलब जितना मास इस समय यहाँ पहुंचा हुआ है उतना ही मास इस समय यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, इसमें कई बच्चे सोचते सर मुझे ऐसा लगता है कि, अच्छा अभी मैं कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि ये जो जेट है ना, ये जेट का क्रॉस सेक्शन अगर ये है ना, तो ये जेट का क्रॉस सेक्शन ना थ्रू आउट ऐसा मेंटेन रहेगा, ओके? हम बोलेंगे जितना क्रॉस सेक्शन से ये आया ना जेट बाहर, ये क्रॉस सेक्शन नहीं बदला, ये क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम मेंटेन करेगा यहाँ पे जेट। जब ये थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम मेंटेन करेगा, इसका मतलब जितना यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना ही यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा। क्या ये बात दिमाग तक घुस गई? तो यहाँ पर भी अगर वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा गाइज, तो आपको इमेजिन क्या करना है, इमेजिन कर लो जो प्लेट है ना, सादा प्लेट नहीं है ये, प्लेट ऐसा रहेगा, मतलब उसमें ऐसे कैविटी रहेगी, ऐसे उसमें कैविटी रहेगी और ये प्लेट है ऐसा, समझा भी? ऐसी कैविटी रहेगी और आपने जेट इसमें मारा, इस होल में मारा हुआ है, आएगा समझ में? मतलब ये जो जेट का क्रॉस सेक्शन है ना, वही क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे खड्डा है और उस खड्डे पे आपने वो पानी मार दिया और आप इमेजिन कर रहे हो कि वो पानी जो है वो इस खड्डे पे से बराबर ऐसे होके जाएगा। तो जो क्रॉस सेक्शन ये रहेगा वही क्रॉस सेक्शन ये रहेगा। तो जब क्रॉस सेक्शन ये है और वही क्रॉस सेक्शन अगर ये है, इसका मतलब है यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी वही वेलोसिटी यहां पे रहेगी। लॉसेस कंसिडर नहीं करना है, फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। अगर फ्रिक्शन कंसिडर हो जाएगा तो फिर ये वेलोसिटी जो रहेगी वो कम रहेगी और ये वेलोसिटी जास्ती रहेगी। हमें फ्रिक्शन फिलहाल कंसिडर नहीं करना है, हम मान के चलेंगे फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम पता करना चाहेंगे कि पानी अगर फ्रिक्शन ना हो तो कितना से कितना ज्यादा इम्पैक्ट उस पर दे सकता है। अगर वो फ्रिक्शन कर बैठेगा तो अपना इम्पैक्ट उसे नहीं देगा, ओके? उसे अपना इम्पैक्ट वो नहीं दे पाएगा, इसलिए हम हर बार फ्रिक्शन लेस कंडीशन मानेंगे। अगर आप फ्रिक्शन को कंसिडर कर लेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, ओके गाइस? तो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो मास फ्लो यहाँ पे वही मास फ्लो यहाँ पे, वही मास फ्लो यहाँ पे, वही मास फ्लो आउटलेट पे, तो मास फ्लो तो सेम रहेगा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे ना रहे, मास फ्लो हमेशा सेम रहेगा, याद रखना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ चपटा हो जाएगा, तो भी मास फ्लो हमेशा सेम रहेगा। ये बात तो सबको पड़ती है गाइस, इतना सबको समझ में आया?
हाँ सर हाँ सर ये बातें हो गई मास फ्लो के बारे में। अब सही लोग कई लोग सोचते हैं कि ये क्यों समझ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि आप लोग का जो चैप्टर का नाम है वो है इंपैक्ट जेट्स। ओके, आप लोग जेट का इंपैक्ट पढ़ने वाले हो, तो उसमें जेट क्या करेगा, जेट ऐसे ही जो एक प्लेट मैंने लिया है ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स पे टक्कर मारने वाला है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्लेट पे टक्कर मारने वाला है, और उस टक्कर के कारण वो प्लेट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, मतलब फोर्स लगेगा। तो वो प्लेट कितना जोर से फोर्स लेगा यही आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, कैसे, स्ट्रेट प्लेट जो बनाया मैंने इसको अलग अलग ओरिएंटेशन पे रखेंगे और फिर उसके बाद में कर्व प्लेट लेंगे, वो कर्व प्लेट जो रहेगा वो कर्व प्लेट अलग अलग ओरिएंटेशन पे लेंगे, फिर उसके बाद में उन प्लेट्स को मूव करना शुरू कर देंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की बातें करेंगे, सिंगल प्लेट ना, सिंगल एक प्लेट को मूव करना शुरू कर देंगे और फिर उस पर जेट मारेंगे, समझ रहे हो? एंड क्या करेंगे, पहले पहले स्ट्रेट फिक्स प्लेट, फिर कर्व्ड फिक्स प्लेट, फिर स्ट्रेट एंड कर्व सिंगल मूविंग प्लेट, एंड देन उसके बाद में सीरीज ऑफ मूविंग प्लेट एंड देन टर्बाइन। ये ऐसा इवॉल्व होता है धीरे धीरे, मतलब आप लिटरली हर एक बातों को समझते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, लैंग्वेज अगर कोई बोलनी है तो लैंग्वेज बोलने से पहले आप ए बी सी डी सीखोगे, फिर वर्ड फॉर्मेशन सीखोगे, फिर ग्रामर सीखोगे, देन सेंटेंस कंप्लीशन सीखोगे, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है, टॉकिंग इज लाइक टर्बाइन एंड ये है आपका ए बी सी डी। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, टर्बाइन की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को ट्रेन करोगे, उसमें आप पहले एक सिंगल प्लेट पे टक्कर मारोगे, सिंगल प्लेट फिक्स्ड होगा पहले और फिर वो सिंगल प्लेट मूविंग होगा, फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी सीखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी के ट्रायंगल बनाना सीखोगे, एंड देन उसके बाद में आप लोग सीखोगे सीरीज ऑफ ब्लेड्स, एंड उसके बाद में आप लोगों को सीरीज ऑफ ब्लेड के बाद में टर्बाइन्स आने वाला है गाइस। इतनी बातें आप सीखने वाले हो आने वाले समय में। अच्छा मुझे बात बताओ, कंटिन्यूटी सबको समझा है? यस सर। ओके यस सर। ओके, कंटिन्यूटी जब आपको समझ गया है तो आपको ये बात समझ में आती रहेगी कि जितना मास एंट्री मारता उतना एग्जिट मारता। तो मेरी बात एक बताओ, रियल लाइफ में क्या होगा, रियल लाइफ में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, बराबर? रियल लाइफ में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अभी एक सवाल पूछने वाला, ध्यान से बताना, रियल लाइफ में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और साथ ही साथ यहाँ भी फ्रिक्शन होगा। लेट अस से स्पेस में कुछ नहीं हो रहा है, पाइप में भी फ्रिक्शन हो रहा है, ओके, दोनों जगह फ्रिक्शन होगा। तो मुझे बात बताओ, फ्रिक्शन अगर बाहर हो रहा है इसका मतलब, ये तो मैंने जवाब दे दिया है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 रहेगी, यहाँ वेलोसिटी v3 रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी v4 रहेगी। अगर प्लेट पे फ्रिक्शन हो रहा है आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि v3 विल बी मोर देन v4, बराबर? बराबर बराबर। अच्छा v2 जो है v2 v1 से ज्यादा रहेगा। अच्छा बात आओ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट दे लूँ, उसको V5 बोल दूँ, ये पांचवा पॉइंट, अगर पाइप में फ्रिक्शन रहेगा तो V5 एंड V1 में कैसा रिलेशन रहेगा, सेम रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? फ्रिक्शन V1 greater than V5। अगर फ्रिक्शन थ्रू आउट सेम है तो सेम रहेगा। V1 greater than throughout same है मतलब? ये गलत है, throughout same है इसलिए same रहेगा, is not a correct statement, but yes, V1 and V5 हमेशा same रहेंगे, हमेशा same रहेंगे, चाहे friction हो चाहे ना हो, V1 V5 हमेशा same रहेंगे। friction अगर होगा तो ये घटेगा तो ये अपने आप घट जाएगा, guys ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रिक्शन क्या क्या बोला डियर आपने सर, वो V1 V5 सेम कैसे रहेंगे? वापस सुनना, अगर पाइप में फ्रिक्शन होगा, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, V1 एंड V5 हमेशा सेम रहेंगे। ये लाइन याद रखना, फिर बताता हूं क्यों। V1 V5 ऑलवेज सेम,
चाहे ना हो फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन, लेकिन फर्क है। अगर फ्रिक्शन होगा तो V1 V5 दोनों भी ज्यादा रहेंगे, सॉरी फ्रिक्शन नहीं होगा तो, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो V1 V5 दोनों भी घटेंगे एक साथ, दोनों भी कम हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था ना, सर कुछ समझ में आया सर? हाँ वापिस बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, इतना ही सीखना है, फिर ध्यान से सुनना फिर बताता हूँ। पर क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि भाई पाइप जो होता है ना, पाइप एक एनक्लोज सिस्टम होता है और ये देखो ये खुला सिस्टम है। यहाँ पे जब फ्रिक्शन होगा ना तो ये रिटार्ड होगा जरूर, लेकिन ये फिर फैल जाएगा। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो पानी है वो अक्यूमुलेट हो सकता है, एक दूसरे पे इकट्ठा हो सकता है, स्लो होने के बाद में इकट्ठा हो सकता है ना वो एक दूसरे के ऊपर, उसको कौन बोलता है कि भाई तू इकट्ठा नहीं। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते आप, यहाँ पर पाइप में जगह फिक्स्ड है, तो अगर ये स्लो होएगा ना तो ये भी अपने आप स्लो हो जाएगा। इट इज लाइक ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक इंडिया का ट्रैफिक कैसा होता है, इंडिया का ट्रैफिक ऐसा होता है और दूसरे देश का ट्रैफिक ऐसा होता है। दूसरे देश में क्या होता है, सामने वाला रुक गया तो अपने आप पीछे वाला रुक जाता है, लेकिन अपने देश में क्या होता है, सामने वाला रुक गया तो अपन उसके बाजू में जाके खड़े हो जाते हैं, अपन और थोड़ा सा साइड से जगह निकालने की कोशिश करते हैं, आप अक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं, आप लाइन में नहीं रहते हो। यहाँ पे सब पार्टिकल कैसे एक लाइन फॉलो करके जाते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है यहाँ का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अगर कम होगा तो ये वेलोसिटी भी कम होगा। पाइप देखो ना, पाइप में जगह की कमी है, यू कैन नॉट पाइल ऑन ईच अदर, लिक्विड एक दूसरे को कंप्रेस थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऐसा होगा तो ये सर डिगारा बन सकता है ना, यहाँ पे ये सर डिगारा बन के स्लो जा सकता है, इसको क्या दिक्कत है। इसलिए यहां पर वेलोसिटी कम हो सकती है, लेकिन यहां पर अगर वेलोसिटी की बात हम करेंगे तो वो वेलोसिटी थ्रू आउट कम हो जाएगी, मतलब अगर V5 घटेगा तो V1 अपने आप घटेगा, लेकिन V5 V1 हमेशा सेम रहेंगे। समझ में आ रही क्या बात है? हाँ सर गाइस, एक बार में कंक्लूड करता हूँ, ध्यान से दिमाग में बातें रख लेना ये, ओके? ये बातें आपके दिमाग में बैठी हुई रहनी चाहिए क्योंकि ये सब लगने वाला है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके? ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने क्या बनाया है, मैंने आपके सामने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एक पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है, ओके? पाइप में से पानी आ रहा है और वो पानी जेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है एंड उसके बाद में वो बाहर जाने वाला है, ओके? जेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है और प्लेट के ऊपर टक्कर मार के बाहर जाने वाला है, ओके? तो आपके सिलेबस में आपको बहुत सारे ऐसे प्लेट्स दिखने वाले हैं, वो प्लेट के ऊपर आप ऐसे जेट मारने वाले हो। अच्छा, कई बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बोलता श्रीनिवास भाई, संकेत भाई बोलते जो होगा वो दोनों के साथ होगा, V1 के साथ भी V5, एकदम करेक्ट बोला संकेत भाई, V5 V1 एक साथ कम होंगे, परफेक्ट। सर V3 V4 V3 V4 ओपन में होने के वजह से V3 ज्यादा होगा क्या? यस माय डियर सर। और V2 का क्या होगा? V2 का क्या होगा बताता हूँ। देखो V2 स्पेस के बारे में बातें करेंगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस वगैरह आता, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी स्पेस रेजिस्टेंस। हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि भाई V3 और V2 हमेशा सेम रहेंगे, V3 और V2 हमेशा सेम रहेंगे, वो उतने से आके टक्कर मारेगा। V4 V3 अंडर नो फ्रिक्शन लॉस V3 एंड V4 सेम रहेंगे, V3 V4 सेम रहेंगे। अच्छा, ये फ्रिक्शन लॉस अगर होगा तो V3 विल बी मोर देन V4, बट V2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू V3। फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं वहां पे, ये कभी नो फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन, ओके? विथ फ्रिक्शन। अच्छा, यहां पे क्या होगा, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, V1 will be always equal to V5. V1 will be always equal to V5. क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइप है ना, ये पाइप एक enclosed system है और ये open system है, मतलब ये ऊपर की जगह है। यहाँ पर लिक्विड एक दूसरे पे accumulate हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे accumulation के लिए जगह ही नहीं है। अगर ये रुकेगा तो ये पीछे वाले को अपने आप रुकना ही पड़ेगा, ट्रैफिक की तरह, ओके? ये इंडिया का ट्रैफिक, या ऐसे बेस समझना आता है, ये इंडिया का ट्रैफिक और ये बाहर देश का ट्रैफिक,
वहां पे क्या होता है, एक के पीछे एक ही लोग खड़े होते हैं, तो आगे वाला रुक गया तो अपने आप पीछे वाला रुकेगा, आगे वाला स्लो जाएगा तो पीछे वाला भी स्लो जाएगा। मतलब पाइप में जो कोई भी वेलोसिटी रहेगी वो सेम ही रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ओके, थ्रू आउट सेक्शन सेम ही रहेगी ना सर वो वेलोसिटी? यस डियर, तभी तो अपन बोलते हैं ना वेलोसिटी सेम रहता। और सर वो V2 और V3 कैसे सेम रहता है? V2 V3 सेम रहेंगे क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, इसलिए V2 मतलब वो पॉइंट जो नोजल के बाद है, V3 मतलब वो पॉइंट जो प्लेट को जस्ट टच करने वाला है। अगर फिर और सर लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब स्ट्रीम लाइन रहे तो? अरे अपन अभी फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी करने लग जाएंगे बीच में, फिर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा स्पैन पकड़ो जहां पे लॉसेस नहीं रहेगा, ठीक है? आप जो काम है, आपका काम क्या है, पानी से प्लेट को टक्कर मारने का काम है, तो आप पानी थोड़ा नजदीकी रखोगे ना, अगर गाड़ी धोना है पाइप से तो पाइप थोड़ा गाड़ी के पास ही रखना चाहिए, है ना? हाँ सर, ऐसे करने में मजा नहीं, बराबर कि नहीं? बराबर, हाँ। देखो इसका अब ये क्या याद रखना है आपको, फ्रिक्शन हो ना हो क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना जो वेलोसिटी इधर है वो थ्रू आउट पेनस्टॉक में सेम रहेगी, ये टाकी है या फिर डैम है, ठीक है? जो वेलोसिटी से पाइप में एंट्री मारेगा वो वेलोसिटी लास्ट तक सेम रहेगी, वो कभी नहीं बदलती चाहे फ्रिक्शन हो या ना हो। नोजल का काम क्या होता है, वेलोसिटी को बढ़ाना, तो हमेशा V2 विल बी मोर देन V1, हमेशा V2 विल बी मोर देन V1। यहाँ पे V2 V3 हमेशा सेम रहेंगे। प्लेट पे क्या होगा, प्लेट पे V3 से टच करोगे और V4 बन के बाहर निकलोगे। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए हम हमेशा मानेंगे यही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मेंटेन रहेगा, यही क्रॉस सेक्शन हमेशा यहाँ पे मेंटेन रहेगा। जब क्रॉस सेक्शन सेम मेंटेन रहेगा तो अगर V3 से टक्कर मारेंगे तो V4 से ही बाहर निकलेंगे, V3 से टक्कर मारेंगे तो V4 से ही बाहर निकलेंगे। अच्छा, नो फ्रिक्शन कंडीशन में दोनों सेम रहेंगे, और फ्रिक्शन होगा तो V3 बड़ा होगा, V4 छोटा होगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई गाइस? ओके, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, मैंने जो आपको बातें बताई है ये अच्छा मैं क्यों बताता हूँ गाइस, क्या होता है ना, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया कि हम जब भी टर्बो सीखते हैं तो टर्बो ने बहुत सारे अजम्पशन खुद करके रखे हुए, मतलब जैसे अपने टीचर बोलते ना एज वी नो, ऐसा बहुत सारे अजम्पशन करके रखे हुए, एंड वो अजम्पशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो अजम्पशन आपको ना पता होना तो हमारा दिमाग चलता ही नहीं, हमें समझ नहीं रहती चल क्या रहा है, एग्जैक्टली करना क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी मैं आपको बातें अभी इस डायग्राम में बताया हूं ये नोट्स का पार्ट नहीं है, इसका कोई नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, ये आपको महसूस होना चाहिए या आपको फील होना चाहिए। जब कोई फील होना शुरू हो जाता है ना गाइस, तो आपके लिए आने वाली चीजें बेटर इमेजिन होने लग जाती है। ये प्लेट को अलग अलग शेप देंगे हम लोग, लेकिन हम थ्रू आउट सब्जेक्ट में जब प्लेट की बात करेंगे इंपल्स टर्बाइन में, तो जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे गाइस। हो सकता है वो प्लेट में क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शन बदलेंगे तो वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, इसलिए हम हमेशा थ्रू आउट वेलोसिटी सेम रखने की कोशिश करेंगे। अगर प्लेट स्ट्रेट होगा तो भी अक्यूमुलेट होगा क्या? देखो डियर, फ्रिक्शन होगा तो अक्यूमुलेट होगा ही होगा, फ्रिक्शन होगा तो अक्यूमुलेट होगा ही होगा। अच्छा क्या, एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको क्या इमेजिन करवाया, मैंने आपको इमेजिन करवाया कि वो छोटा सा जो सेक्शन है उसमें आपने जेट मारा है, इसलिए क्रॉस सेक्शन सेम है ना, इसलिए आपने बोला कि क्रॉस सेक्शन सेम है, दिखने को सेम हो जाता है। ओके, वो दिखने को सेम हो जाता है, लेकिन अब आपको एक बार बता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में प्लेट ऐसा रहेगा और आपने जेट ऐसे मारा रहेगा, रियल लाइफ में प्लेट ऐसा रहेगा आपने जेट ऐसे मारा रहेगा, तो क्या होगा, ये जो जेट है वो फैल जाएगा, है ना, वो जेट फैल जाएगा, तो होगा क्या, आप लोगों को वो जेट का एरिया फैल जाना, फिर एरिया के फैलने की वजह से वेलोसिटी का बदल जाना, ये बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट कर देती है, एंड फिर चीजें इमेजिन नहीं होती, फिर आपको समझ में नहीं आता है। मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी के फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो कि हम मान के चलेंगे थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन वो सेम मेंटेन करके रखेगा, तभी जाके जिस वेलोसिटी से एंट्री मारेगा उसी वेलोसिटी से एग्जिट मारेगा। क्यों? क्योंकि बाय कंटिन्यूटी अगर इधर एरिया सेम और इधर एरिया सेम तो इधर जो वेलोसिटी वही इधर वेलोसिटी। बराबर तोड़ते तोड़ते बातें समझी है? कोई डाउट है तो पूछो। 6:37 हो रहा है। ओके,
6:37 हो रहा है, एक 20 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, 20 मिनट का ब्रेक दूंगा, एचटी के लिए मिलेंगे। उसके पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, ओके। आज ऑलमोस्ट सभीयों ने अपना नाम बराबर लिखा हुआ है, जिसने भी चार भाई और श्री भाई, प्लीज आप अपना नाम ठीक से लिख के आते जाओ। और कौन कौन है, शुभम भाई, प्रतीक भाई, नाइट मंकी भाई, महादेव भाई, आज के दिन भी मैंने अभी तक नहीं किया, मैंने बोला कि एक दिन दो दिन ठीक है चलता है कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले दिन प्लीज अपना नाम, आपका नाम भी चेंज करते हैं सर, आप भी अपना नंबर देते, आप भी अपना नाम चेंज करो सर, मैं भी नाम नंबर लिख के आऊंगा, ओके, मैं भी नाम नंबर लिख के आऊंगा, मैं भी अपना रिसीट नंबर लगा के आऊंगा, ओके गाइस। एक बात और, क्या सिखाना है बताता हूँ, मैंने आज आपको अभी तक सिर्फ आपकी फीस हमें दे दीजिए, ओके भाई सुनते, अभी तक मैंने से आपको मेंटली प्रिपेयर किया है सब्जेक्ट के लिए, कल के दिन से इम्पैक्ट ऑफ जेट शुरू कर रहा हूँ मैं, कल के दिन स्ट्रेट प्लेट सीखेंगे अपन, स्ट्रेट प्लेट और हिंज प्लेट, अगर किसी स्ट्रेट प्लेट पे या किसी हिंज प्लेट पे जेट मारो तो कैसे बिहेव करेगा, कल का वो लेक्चर का पार्ट होगा, थोड़ी सी बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, कल के दिन मिलेंगे, अभी मैं दूंगा आपको 20 मिनट का ब्रेक, ओके 7 बजे अपन एचटी के लिए मिलेंगे गाइस। सर वो क्लाउड पे अपलोड कब करने वाले हो सर लेक्चर? क्लाउड पे अपलोडेड ही होता है, आप मुझे लिंक मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा, आज के लेक्चर का लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लगे तो ठीक है, चलो कल के भी दे दो, चलो गाइस बाय बाय, सी यू एट 7 o'clock, ग्रुप पे डाल दो सर रिकॉर्डिंग, कल का भी डाल दो, कल के लेक्चर का भी लिंक डालो, बाय बाय, आपसे टेस्टी को मिलते, बाय बाय, लाते चाय, चाय मार के आके, चाय मार के आते जाते सर, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पैसा लेते, चाय मार के आते, पैसा लेते चाय लेने के लिए, चाय मार के आते, चाय मार के, जिसने जिसने एडमिशन लिया सिर्फ वही एसटी को आते भाई, चलो भाई।